नमस्कार। तो आपके सामने मैं एक नया विषय लेके आया हूँ अभी फिर से। ये मेरा पहला हिंदी में वीडियो है। ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि संविधान में सुधार कैसे किया जाता है, क्या है उपबंध संविधान सुधार के बारे में, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये संविधान के भाग 20 में दिया है, उसका उल्लेख पार्ट 20 में लिखा हुआ है और उसके बारे में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368। मित्र, आर्टिकल 368 ये संसद को पावर कुछ दे रहा है, लेकिन पावर किसके बारे में दे रहा है? अमेंड करने के लिए। किसमें अमेंड करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन और उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसीजर के लिए। तो आर्टिकल 368 किसको पावर दे रहा है? संसद को। और किस बारे में पावर दे रहा है? कि संविधान और उसकी प्रक्रियाओं को सुधार करने के बारे में। अब ये सुधार कैसे हो सकता है? बाय वे ऑफ एडिशन, बाय वे ऑफ वेरिएशन और बाय वे ऑफ रिपील। ये तीन तहत हम संविधान में सुधार कर सकते हैं। बट एक बात हमें खास ध्यान रखनी है कि इट कांट अमेंड दोस प्रोविजन विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे उसके बारे में उसको हिला सकता नहीं है। मीन्स हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को यानी आधारभूत ढांचा को अलग कर नहीं सकते, उसके बारे में सुधार कर सकते नहीं है। ठीक है, अब उसकी प्रोसीजर के बारे में बात करें तो कैसे ये सुधार होता है। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है वो हम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, किसी भी गृह में रख सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां पे पहल कर सकते हैं। चाहे हम उसको लोकसभा में भी पहल कर सकते हैं और हम उसको राज्यसभा में से भी उसको इनिशिएटिव कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है उसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा कौन उसको इंट्रोड्यूस करेगा? तो मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। मिनिस्टर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको हम गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। और अगर प्राइवेट मेंबर, यहां पे प्राइवेट मेंबर का डेफिनेशन क्या है? मेंबर अदर देन मिनिस्टर। मिनिस्टर के सिवाय कोई मेंबर, सदस्य संसद का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करे तो उसको हम प्राइवेट बिल भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मान्य नहीं है, मतलब कि हम राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेने से पहले ही हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति डू नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरी बात करें इसकी प्रोसीजर पास होने की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ईच हाउस पार्लियामेंट के किसी भी ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में उसको पास करना अनिवार्य है, मतलब इसके लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसको हमें सेपरेट ही पास करना पड़ेगा। लेकिन पास कैसे करेंगे? तो पास करने के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। उसकी तीन प्रक्रिया है, इसी को हम सामान्य बहुमत से यानी सिंपल मेजोरिटी से भी पास करेंगे, कोई प्रावधान ऐसे है उसको हम स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे और कोई प्रावधान ऐसे है जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट यानी कि आधे राज्य की राज्य विधानसभा को हम उसको पास करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी है वो क्या है उसके बारे में बताएं। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 50% या उसके ऊपर मैक्सिमम, भाई मोर देन 50% यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए और जो जितने भी प्रेजेंट रहे उनके 2/3 अगर उसके बहुमत समर्थन में वोट हासिल करें तब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास माना जाएगा। ठीक है,
लेकिन एक बात खास आप ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सेपरेटली पास करना जरूरी है, इसके लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है संविधान में, ठीक है। अब इसके अमेंडमेंट के बारे में आते हैं कि इसके अगर जो फेडरल प्रोविजन को हम सुधार करना चाहते हैं, जैसे केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो हमें उस बिल को आधे राज्यों की मंजूरी लेने के लिए भेजना पड़ेगा। आधे राज्य मतलब भारत में अभी 29 स्टेट है, उसका हाफ यानी कि 15-16 स्टेट की हमें मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये जो हम कंसेंट लेते हैं उसका सिंपल मेजोरिटी से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह बिल संसद में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति को हम ये बिल भेजेंगे तो राष्ट्रपति को इस बिल को एजेंट करना जरूरी है, उस पे राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा ही, उसको राष्ट्रपति मंजूरी देगा ही। ये जो सुधार हमने किया है, ये सुधार हमने 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में किया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे हमने पढ़ा, यह बिल तीन तरीके से सुधार हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी से भी हम उसको सुधार कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से भी हम सुधार कर सकते हैं। हमने बोला स्पेशल मेजोरिटी यानी हाँ प्रेजेंट 50% होने चाहिए, जितने भी मेंबर है टोटल मेंबर उनके 50% वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, और उसके उससे ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, और जितने भी प्रेजेंट है उनमें से जितने भी वैलिड वोट पड़े उसके 2/3 अगर उसके समर्थन में वोट दे तो वो बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ माना जाएगा। और थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी तो संसद को पास करना ही है, और अलग से हाफ ऑफ द स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को मंजूरी देनी है, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं संविधान सुधार के लिए, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से बिल पास होंगे, जैसे न्यू स्टेट को अगर एडमिट करना है या एस्टेब्लिश करना है तो ये जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। नए राज्यों का निर्माण करना है तो यह भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। राज्य की जो अभी जो बाउंड्री है, एरिया है, नेम है, उसको एग्जिस्टिंग स्टेट के नेम, बाउंड्री और एरिया को चेंज करना है, अल्टर करना है, तब भी ये बिल हमें सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। उसके बाद इसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना या उसको हटाना, यह बिल भी हम सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। और पार्लियामेंट में कोरम है कि नहीं, पार्लियामेंट में कोरम के बारे में कुछ बात करनी है तो उसको भी हम सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, ठीक है। ये जो बिल है इसको हम सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश का यूज़ करना है उसके बारे में भी, इसको भी हम सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में कुछ चेंजेस करना है, तो ये सब जैसे प्रावधान है उसको हम सामान्य बहुमत से पास करेंगे। आप नोट्स भी देख सकते हैं इधर, उसको आप पढ़ लीजिए आप। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और अदर प्रोविजन जो ये हमें फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं आते, अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तब भी हम स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने बोला जे स्पेशल मेजोरिटी और प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ये केंद्र और राज्य के बीच में कोई फेडरल स्ट्रक्चर संबंधित किसी प्रावधानों को हमें सुधारना है तभी इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कौन कौन सी मैटर है आप एक बार ध्यान से देखें, प्रेसिडेंट के चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बारे में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में जो वैधानिक पावर है उसका जो हमने विभाजन किया है उसके बारे में कुछ सुधार करना है, सेवन शेड्यूल्स के लिस्ट में कुछ सुधार करना है, या तो पार्लियामेंट में राज्य की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको प्रतिनिधि, राज्य का जितना प्रतिनिधि है राज्यसभा में तो उसके बारे में कुछ सुधार करना है, या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कि यानी ये खुद आर्टिकल में सुधार करना है, आर्टिकल 368 को ही सुधारना है अगर, और एग्जीक्यूटिव पावर को सुधारना है केंद्र और राज्य के बीच में, तब हमें आधे राज्यों की
रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और उसको संसद में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ये मैटर मैंने आपको इसीलिए पढ़ाई कि अभी जो गुजरात में एक सिविल सर्विस के एग्जाम्स आ रही है और केंद्र में भी जो यूपीएससी जो एग्जाम ले रही है उसमें काफ़ी बार ये अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।